अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मुझे एक रुपया भी नहीं देना है और वो फ्यूल मेरे टैंक के अंदर अभी आने वाला है यार, तो ये एक्साइटमेंट है। और क्या प्रोसेस है अगर भैया बता दिए तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। ये देख लो अभी ज़ीरो है मीटर पर और कितने का पेट्रोल जाने वाला है ये आपके सामने आपको दिखने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। इट्स बिहारी भाई का, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपने अपने घरों में रहेंगे। तो गाइज अभी जो अपना वीडियो है वो ऑलमोस्ट एक दो महीने के बाद आ रहा है। लास्ट ब्लॉग अपना ZX6R का लॉन्च इवेंट वाला था और उसको आए हुए ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। बट भाई अभी से कोशिश करेंगे कि ब्लॉग्स में डिले ना हो, वीक का दो या तीन ब्लॉग आता रहे और अब हमारे ब्लॉग्स में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपको बताते ब्लॉग के ऊपर क्या होने वाला है ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आज के ब्लॉग के ऊपर हम लोग अपनी ज़ेरी को लेकर जाएंगे फ्यूल अप कराने के लिए और भाई जिस भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे फ्यूल अप कराने के लिए वो मैं आपको बता दूंगा और वहां पर मैं एक पैसा भी नहीं देने वाला हूँ फ्यूल का, जो भी फ्यूल अपने बाइक के ऊपर आएगी और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग फ्यूल अप करवाने वाले हैं। और ये कैसे करा रहे हैं और आप लोग भी इस चीज का फायदा कैसे ले सकते हो, मतलब बिना पैसा दिए पेट्रोल कैसे ले सकते हो, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, बताने वाला हूं मैं। तो वीडियो में बने रहना और चलो फटाफट निकलते हैं, जेरी का हाल दिखाते हैं और सीधा फिर आपसे कहां मिलते हैं, गोप्रो पे। सो फ्रेंड ये रही अपनी जेरी। जेरी के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इस पे काम हो रखा है, कुछ काम होना बाकी है। जैसे कि मैं इसके टायर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि टायर्स इसका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है भाई, बार बार इससे हवा निकल जा रहा है तो बार बार मुझे हवा लेना पड़ रहा है, इस पर एयर प्रेशर इसका सही करवाना पड़ रहा है। बट बहुत जल्द हम लोग इसके टायर्स चेंज कराने वाले हैं, तो ये चेंज होने के बाद गाड़ी फिर से एकदम फ्रेश नहीं हो जाएगी। आगे का शॉकर भी इसका लीक हो गया था तो उसे सही करा लिया गया है और बाइक भाई देख लो अभी पूरी सही लग रही होगी, पीछे से मैंने रड हटवा दिया है भाई। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग गोप्रो के साथ निकल चुके हैं और भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है यार गोप्रो को बाइक के साथ यूज़ किए हुए और मतलब फिर से मतलब वो पहली वाली फीलिंग्स आ रही है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। और अभी कौन से पेट्रोल पंप पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच के मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ वहाँ पर अगर भीड़ नहीं होगी तो जो वहाँ के स्टाफ रहते हैं जो पेट्रोल देते हैं मैं उनसे ही बात करूँगा, उनसे ही पूछूँगा कि भाई जो भी प्रोसेस है आप भी बता दो ताकि आप लोगों को भी क्लियरली पता चल पाए। और अगर वहाँ पे भीड़ होगा तो भाई मैं तो फ्यूल अप कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो अनकट ही रहे और मैं तरीका भी बता दूंगा। अगर उस समय आपको नहीं समझ में आएगा तो वहाँ से निकलने के बाद मैं कम्प्लीटली पूरे वीडियो के अंदर मैं समझा दूंगा कि कैसे आप वहाँ पर जा करके फ्री का पेट्रोल ले सकते हो और कुछ ऑफर्स, कैसे वहाँ पर जाके आप फ्री का पेट्रोल ले सकते हो और उसके लिए क्या प्रोसेस करना होता है, वो सारा चीज़ मैं A to Z आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो भाई पहले यहाँ का ट्रैफिक थोड़ा देख लेते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर मुझे कट करना पड़ेगा। वैसे मेरा अनुमान तो यही था कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ये वीडियो ऑन एवरेज 8 से 9 मिनट का जाना चाहिए यार, मैं ऐसे अंदाज लगा रहा हूँ। बट फिर वहाँ से हम लोग राइड पर भी निकलेंगे और पहले वाली फीलिंग लेंगे और साथ ही साथ गोप्रो इतने टाइम के बाद कनेक्ट किया हूँ, मुझे ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि अभी मैं बोल तो रहा हूँ बट आवाज़ ना जाए, क्योंकि ये गोप्रो के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और भाई नहीं पता क्यों इतने दिन से नहीं यूज़ करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हैंग भी कर रहा है। और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मतलब कुछ ऐसे भी थे जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं, जेरी फैमिली थी, जो मुझे टाइम टू टाइम मैसेज भी कर रही थी कि भाई अब ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्या हुआ बीच में, आप लोग बराबर के भी गए थे यार, बहुत जगह गए थे, बहुत सारे ब्लॉग्स थे बट टाइमली एडिट नहीं होने के बाद। सो भाई बहुत जगह हम लोग गए थे और टाइमली एडिटिंग नहीं होने के कारण मैं अब वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार उसको बनाए हुए और बीच में कुछ ऐसा चीज़ भी हो गया था कि हम लोग उस पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ बीच में होते जा रहा था। हाँ इस ब्लॉग में नहीं तो मैं अगले ब्लॉग में सारा कुछ डिस्कस करूँगा आप लोगों से भी कि इस बीच में मतलब क्या से क्या हुआ है और मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जिसका हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं था और हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थे। शायद आप भी सुनोगे तो आप भी शौक हो जाओगे। बट अभी पहले फ़िलहाल हम लोग देख लो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और फ़िलहाल अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं, फ्यूल अप करवाते हैं और प्रोसेस जानते हैं। ये उससे भरवाना है, पॉइंट वाला से भरवाना है, प्रीमियम ना ना नॉर्मल। कैमरा चालू करके आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ चालू है। आज बताने वाले हैं ना कि कैसे आप लोग यहाँ पे ऑफर चल रहा है कि जो पहला रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको कितना का दे रहा है पेट्रोल फ्री में। ठीक है ब्लॉग में देख ही लेंगे। 8092 लावा ना हो। अच्छा
ये आप बता सकते हैं कि अभी ये वाला जो नंबर वाला सिस्टम चल रहा है उसमें किस तरीके से सब पेट्रोल वेट्रोल भरा सकता है? अभी जो पहला रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसको क्या मिल रहा है? इधर आओ, अरे इधर आना, अरे एक मिनट है, वो काम है। और भाई आ रहे हैं, वो गाड़ी में हवा डाल, डाल लीजिए 80। हाँ तो भाई, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने अपना नंबर बताया, यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद बताएंगे कि मतलब कितने पॉइंट्स मेरे हो रखे हैं यहाँ पे, और जितना भी पॉइंट हुआ होगा उसका रिवार्ड की तरह वो मेरे पे एक कोड आएगा, कोड बताने के बाद वो पेट्रोल मुझे मिल जाएगा। कितना का है? 712 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 712 रुपये का ये स्लिप निकला है, और 712 रुपये का जो नॉर्मल 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 पेट्रोल है ये, अभी मैं फ्यूल अप कराने वाला हूँ। तो भाई अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मुझे 1 रुपया भी नहीं देना, और वो फ्यूल मेरे टैंक के अंदर अभी आने वाला है यार, तो ये एक्साइटमेंट है। और क्या प्रोसेस है अगर भैया बता दिए तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। ये देख लो, अभी 0 है मीटर पर, और कितने का पेट्रोल जाने वाला है ये आपके सामने आपको दिखने वाला है। तो पूरे 712 रुपये का 6.77 लीटर पेट्रोल आ चुका है, और भाई इसके लिए मैंने कोई पैसा पे नहीं किया, ये आपके सामने है। बस एक OTP आया था मेरे फ़ोन पे जो मैंने बताया इन्हें, और भाई अपना जो ये देख सकते हो, अभी 2 कांटा सो कर रहा था ना फ्यूल का, अभी इसके ऊपर ऑलमोस्ट टैंक फुल सो कर रहा है। आगे साइड में रोकते हैं और बताते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये है अपना बिल, मैं बिल अटैच भी कर दूंगा। तो टोटल 6.77 लीटर पेट्रोल आ चुका है अपने बाइक पे, और भाई 712 रुपये पॉइंट मेरा हो रखा था। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आने के बाद जब आप अपने नंबर को रजिस्टर्ड कराते हो तो नंबर रजिस्टर्ड कराने का आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम नंबर अपना रजिस्टर्ड कराते हो तो आपको 50 रुपये का जो फ्यूल है वो आपके अकाउंट में वो 50 रुपये आ जाएंगे। सो जेरी फैमिली, मैं एक बार फिर से जो तरीका था उसका प्रोसीड्योर जो होता है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने वहाँ के ही स्टाफ को बोला था कि आके बता देने के लिए, बट वो वहाँ पे एयर प्रेशर देना था तो वहाँ पे वो चला गया काम पे, और दूसरा जो था वो थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं था तो वो सामने आया ही नहीं। बट मैं बता देता हूँ कि अभी क्या है कि इंडियन ऑयल के ऊपर में अगर आप कभी भी जाते हो पेट्रोल लेने के लिए, आपकी कोई भी गाड़ी है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर 3 व्हीलर, आप पेट्रोल डलवाते हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आप अपना जो फ़ोन नंबर होता है वो रजिस्टर्ड करवा लेना, वहाँ के स्टाफ को ही बोलना, वो रजिस्टर्ड करवा देंगे। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको 50 रुपये मिलते हैं, आपके उसी नंबर पे आपको वो पॉइंट आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मैसेज के तौर पे आपको दिख भी जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर। और साथ ही साथ उसके बाद जब भी आप फ्यूल भरवाओगे ना तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके उस रिवार्ड पॉइंट्स में आता है। जैसे कि अभी ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि कहीं से भी आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो अगर आपने वहाँ से 1500, 2000, 5000 जितने की भी शॉपिंग की तो कुछ परसेंटेज जो होता है वो आपके अकाउंट में वो एज अ रिवार्ड पॉइंट आता है। जब आपका रिवार्ड पॉइंट बढ़ते चला जाता है तो फिर आप जाके उसे रिडीम कर सकते हो। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो हमारे पास जो भी अपनी 2-व्हीलर 4-व्हीलर हैं, हमने सेम नंबर एक नंबर ही रजिस्टर्ड करा रखा है और उसी के ऊपर वो पॉइंट्स हम लोग ऐड ऑन करवाते हैं। तो भाई मेरे बाइक के ऊपर अभी 712 रुपये का पेट्रोल आया है जो कि आप देख सकते हो, मतलब अभी अपना 2-3 दिन का राइड ऐसे ही नॉर्मल समझो कि फ्री का निकलने वाला है। तो ये फ़ायदा है, कभी आप भूलना मत, मतलब जब भी जाना तो अपना पॉइंट डलवा ही लेना, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका एक टाइम पे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे। मान लो मैंने तो 700 पे फिल करवाया कुछ, क्योंकि मुझे ये अपने निंजा के ऊपर डलवाना था, अगर मुझे स्कूटी पे डलवाना होता तो वो 300-400 रुपये में फुल हो जाती है टैंक, तो उसके ऊपर मैं 2 बार अपने टैंक फुल भी करा सकता था। सो गाइज, यही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेशन सुन के अच्छा लगा होगा, जान के अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग होंगे जिन्हें कि इसके बारे में पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए एक नया इन्फॉर्मेशन है। तो भाई अब मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड, और इसी तरीके से भाई वीडियोज़ अब रेगुलर हो जाएंगे।